नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल माइक एक्सप्लोरर पे। आज हम बात करेंगे मारुति की सुजुकी, जो कि हमारी सबकी चहेती कार है और कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में जब से वो आई है तब से टॉप सेलिंग कार्स में हमेशा उसका नाम रहा है। बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स में, तो कभी भी मारुति ने एनकैप के साथ कोलैबोरेशन नहीं किया, क्योंकि हमेशा उसका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहता है। कोई गाड़ी उसकी 0 स्टार लाती है, कोई 2 स्टार, और मैक्सिमम कोई एक दो गाड़ियाँ जैसे सियाज हो गई और विटारा ब्रेज़ा हो गई, तो यही गाड़ियाँ आपकी 4 स्टार तक आज तक पहुँची हैं। चलिए बात करते हैं बलिनो की या उसके सिस्टर कंसर्न स्विफ्ट की। तो ये दोनों गाड़ियाँ इंटरनेशनल मॉडल हैं, और अगर सेफ्टी की बात करी जाए तो आपको शायद नहीं पता होगा इन गाड़ियों में हिल असिस्ट जैसे फीचर्स भी हैं, यहाँ तक कि इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं, 2 साइड 2 कर्टन और 2 फ्रंट एयरबैग्स। टोटल कॉम्बिनेशन 6 एयरबैग्स हैं, जो कि स्विफ्ट और बलिनो दोनों गाड़ियों में आता है। इसके अलावा ऑटोनॉमस ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि गाड़ी को ऑटोमेटिक रोकता है अगर ड्राइवर टाइम पे ब्रेक नहीं लगा पाता है। गाड़ी में लगे हुए रडार सिस्टम और सेंसर्स गाड़ी का ब्रेक ऑटोमेटिकली लगाते हैं। बताएं कि इसमें लेन चेंज असिस्ट का भी फीचर आता है, क्या आपको पता है इसके अंदर हिल होल्ड कंट्रोल भी आता है, इसके अंदर साइड इंपैक्ट डोर बीम भी आता है, जो कि अच्छी गाड़ियाँ जैसे फोक्सवैगन और स्कोडा ग्रुप में आपको देखने को मिलती है। साथ में इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी आता है, जो आपकी गाड़ी के टोटल ट्रैक्शन को मॉनिटर करता है। मारुति सुजुकी की कोई भी गाड़ी के अंदर ये फीचर लिस्टेड देखें किसी भी ब्रोशर में, कभी आप सुजुकी बलिनो या आप स्विफ्ट लेने गए हो, आपने कभी भी ये फीचर्स उनके ब्रोशर में लिस्टेड देखे हैं? मेरे हिसाब से आपने नहीं देखे होंगे और बिल्कुल नहीं देखे होंगे। ये गाड़ियाँ लेकिन इंडिया में ही बनती हैं, ये गाड़ियाँ गुड़गांव में ही बनती हैं। इनमें यही ऑटोनोमस सेफ्टी फीचर्स, 6 एयरबैग्स और यहाँ तक हिल होल्ड असिस्ट और साइड इंपैक्ट डोर बीम, सब फीचर्स इंडिया में ही लगते हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी इंडिया में नहीं बिकती है। पहले सवाल आता है कि जब गाड़ी इंडिया में बनती है तो हम इंडियंस को गाड़ियाँ मिलती क्यों नहीं है? क्या हमारी जीवन इतना बहुमूल्य नहीं है, या फिर बाहर वालों को जीवन हमसे ज़्यादा बहुमूल्य है? कुछ इसी तरीके का मेरे दिमाग में भी आता है, कुछ इसी तरीके का आपके दिमाग में भी आता होगा। ये सारी गाड़ियाँ इन सारे बेहतरीन सिक्योरिटी फीचर्स के साथ इंडिया में ही बनती हैं, लेकिन किसी इंडियन को मिलती नहीं है। ये गाड़ियाँ सारी इंडिया में इसलिए बनती हैं क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आती है, उसके बाद ये सारी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की जाती हैं पूरी एशियन कंट्रीज़ में, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो थाईलैंड हो, कोई भी हो, सिंगापुर हो, लेकिन हमको ये गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ सेफ्टी फीचर्स कंपलसरी कर दिए हैं अक्रॉस ऑल द मॉडल्स, जैसे कि ड्यूल एयरबैग्स हो गया, पीछे के सेंसर्स हो गए हैं, इस तरीके के कुछ फीचर्स को भी कंपलसरी करना चाहिए, क्योंकि जान तो सबकी बहुमूल्य होती है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस बारे में पता था कि बलिनो और स्विफ्ट में 6 एयरबैग्स तक आते थे, इंडिया में बनते थे लेकिन आप लोगों को कभी नहीं मिलते थे, और क्या आप चाहते हैं कि इन फीचर्स को गवर्नमेंट को कंपलसरी करना चाहिए हर गाड़ी के लिए, ताकि हम सब सेफ रहें? तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये जानकारी पहले से पता थी और क्या आप चाहते हैं ये कंपलसरी होना चाहिए। तब तक सुरक्षित रहिए, सेफ ड्राइव। जय हिंद।